हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका किसी भी कारणवश आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है तो उसको वापस कैसे लाना है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको लाइव करके दिखाऊंगा और आप लोगों को कैसे क्या क्या करना पड़ेगा आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। जहां पे दोस्तों मैं अगर बात करें तो आपका जो अगर YouTube चैनल डिलीट होता है, ठीक है, अगर आपका YouTube चैनल डिलीट होता है तो आप यहाँ पर साइड में देखते रहिएगा कि आपको कैसे कैसे जो कि लाना है। अगर आपका YouTube चैनल डिलीट हो चुका है तो आपके पास लिखा होगा दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू मल्टीपल और सर्वर वायलेंस एंड यूट्यूब पॉलिसी अगेंस्ट स्पैम डिसिप्यूटिव एंड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग कंटेंट अदर टर्म्स एंड सर्विस वायलेशन। ठीक है, इसको लेकर दोस्तों अगर आपका चैनल डिलीट हो चुका है या रिपीटेटिव कंटेंट डालने की वजह से दोस्तों आपका चैनल डिलीट हो गया है या किसी भी कारणवश आपका चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है और दोस्तों आपके साथ ये मेल भेजा होगा, मैं मेल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेल देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है वी हैव रिव्यू योर कंटेंट एंड फाउंड सर्वर्स रिपीटेटिव वायलेंस एंड स्पैम डिसिप्यूटिव प्रैक्टिस एंड स्पैम पॉलिसी बिकॉज दिस इज हैव रिमूव योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब। मतलब इसके कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपने ये अपने यूट्यूब चैनल पे गलतियां की है ताकि और यहाँ पे ये सब गलतियां आप लोग किए हैं तब जाके आपका चैनल यूट्यूब ने आपका डिलीट कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कारणवश से आकर आपका चैनल डिलीट हो चुका है तो आपको कैसे लाना है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे आप लोग को अपने चैनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसी को भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर से मिलेंगे तो आपसे एक भी जो कि एक भी पैसा है वो कभी भी नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपना खुद का चैनल डिलीट हुआ कैसे लेके आ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप लोग टेक्नोलॉजी की ही बातें बताई जाती है, बैंकिंग के बारे में बताई जाती है ताकि आप लोगों को किसी को भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एक समय अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होता है तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पॉइंट नंबर वन हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपका चैनल किसी भी कारणवश YouTube ने डिलीट कर दिया है तो उसको आप आसानी से ला सकते हैं। कैसे लाना है आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या लिखना है आप लोगों को, क्या क्या उसमें आपको इनबॉक्स बॉक्स में क्या 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 लिखना है और आपके पास कौन सा मेल आएगा, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सब किसी भी कारण आपका चैनल अगर आप लोग का डिलीट हो गया तो आपके पास ये मेल आया होगा। मेल में क्या लिखा होगा, जैसे कि मेरा नाम सनी है तो यहाँ पे लिखा हाय सनी, वी हैव रिव्यू योर कंटेंट एंड फाउंड सर्विस इन रिपीटेटिव वायलेंस ऑफ आवर स्पैम डिसेप्टिव एंड प्रैक्टिस एंड स्कैम पॉलिसी बिकॉज ऑफ दिस यू वी हैव रिमूव योर फ्रॉम चैनल। वी नो दिस प्रोपेगेट वेरी अपसेटिंग न्यूज बट अवर जॉब मेक दैट योर दिस सेफ प्लेस ऑल वी थिंक चैनल सर्वली वायलेंस पॉलिसी एंड टेक डाउन प्रोटेक्ट योर अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी आप हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका चैनल आएगा कैसे। ठीक है, जब आपका चैनल डिलीट करता है YouTube तो आपके पास एक मेल रहता है जहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों रिव्यू योर कम्युनिटी गाइडलाइंस। मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस को जरूर पढ़िए। YouTube पर अगर YouTube चैनल बना रहे हैं या YouTube चैनल पर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो पहले YouTube को कम्युनिटी गाइडलाइंस समझना सबसे बड़ी जरूरी है। 2024 में दोस्तों पूरी तरफ से आप लोगों को बताऊंगा कि आप YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, YouTube पे कौन सा वीडियो नहीं डालना चाहिए, वायलेंस क्या होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन YouTube का पूरा गाइडलाइंस क्या होता है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा और एक प्लेलिस्ट मिलेगा 2024 में। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बारे में सिखाऊंगा जहां पे आप लोगों को YouTube चैनल से बनाने से लेकर पैसे कमाने तक आपको इस वीडियो पे मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा ध्यान से अगर आप लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप लोग आए तुरंत चैनल बना लिए, वीडियो को अपलोड करने लगे और आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में बहुत सारे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि पहले क्या होता था YouTube में जितने आदमी थे आपका चैनल चेक करते, जिसका चेक हुआ सही है, जिसका नहीं हुआ वो अभी तक चल रहा है। लेकिन जिस दिन मशीन में आ गया, YouTube मशीन में आपका चैनल आ गया, उस दिन आपका चैनल डिलीट होगा, वो भी 100% किसी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसको अपने चैनल को लाना कैसे, बात इस पे हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग अपील करेंगे तो आपको पहले दिखाऊंगा चैनल लाया कैसे, मैं पहले वो भी मेल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम ईमेल को किया और कौन सा हमें इसमें आया। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल का रिव्यू है ईमेल देखने को आपको मिल जाएगी। आपको मैं दिखाऊंगा कि फाइनल जो मेल है लास्ट में दिखाऊंगा कैसे हमारा चैनल आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, जो आपके पास मेल आया होगा, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैं मोबाइल से ही आप लोगों को 2024 में YouTube चैनल से बनाने से लेकर पैसे कमाने तक अगर आपका YouTube चैनल डिलीट होगा पूरी डिटेल में बताना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपील जो कि अपील हियर लिखा, हियर के ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, जो अभी अपना चैनल का नाम में अपना नाम
ऐड किए होंगे वो अपना यहाँ पे नाम डाल देना, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने का। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसको सेलेक्ट करिए। इसमें ईमेल आईडी कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आप जिस ईमेल आईडी से अपना चैनल बनाए हैं, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। कोई भी अदर ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा क्या है, ईमेल एड्रेस यू सी टू साइन टू इन योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे जो भी चैनल का, जो यूट्यूब चैनल आप जिस चैनल से बनाए वो वाला यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। दूसरे में दोस्तों ईमेल एड्रेस कहने यूज कॉन्टेक्ट यू, मतलब कनेक्ट में दोस्तों कि इसमें वो ईमेल आईडी डालिए जिससे आप यूट्यूब आपसे कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो सेम टू सेम भी रख सकते हैं और इसमें अदर भी एक ईमेल आईडी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा में लिखा दोस्तों यूआरएल योर सस्पेंडेड यूट्यूब चैनल, मतलब दोस्तों आपका जो चैनल डिलीट हो गया उसका यूआरएल क्या है। तो बहुत लोग इसमें क्या गलतियां करते थे, पहले यूट्यूब क्या करता था कि आपका यूआरएल नहीं भेजता था, लेकिन दोस्तों एक अच्छी खबर यह है कि आपका यूआरएल यहाँ पे भेजता है। चलिए दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये आपका यूआरएल जो है इसको कॉपी कर लेना है, ये आपका चैनल का यूआरएल है, ये नहीं कि दूसरा यूआरएल नहीं होता, ये आपका चैनल का यूआरएल है, इसको आपके पास होना जरूरी होता है। अगर आपका चैनल डिलीट है तो ये चैनल का यूआरएल आपके पास होना चाहिए और तुरंत अप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि दो महीना चार महीने के बाद अप्लाई नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों यार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सब कुछ डालने पर दोस्तों यहाँ पे आपको फुल नाम डाल देना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी डाल देना है, अपना चैनल का यूआरएल डालना है। अब दोस्तों बात आती है इस बॉक्स में लिखना क्या है हमें, ठीक है, लिखने के बारे में आप लोग को बता दो। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए दोस्तों मैं आपको टेक्स्ट लिखा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेक्स्ट कैसे मिलेगा वो देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक ईमेल लिखा हूं, ठीक है, इसको आप लोग को लिखना है। सीधे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं और दोबारा ईमेल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख देना है दोस्तों ये ईमेल, सिंपल यहाँ से कॉपी करना और पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जितना मैं लिखा हूं उतना लिखने के बाद आप लोग को दोस्तों यहाँ पे चेंजिंग कर देना है। चेंजिंग करने के बाद दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों आप लोग को सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पे देख लेना है कि आपने वही लिखने वाला लिख दिया है, चैनल के यूआरएल भी डाल दिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, दूसरा ईमेल आईडी डाल दिया, अपना फुल नेम डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर दूसरा आपको ईमेल क्या है, मेल सबमिट करने के बाद आपको दूसरा ईमेल ये वाला आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा दोस्तों थैंक यू फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग वेगिंग अनलेबल प्रोसेस एक्सेप्ट टू इट। जैसे दोस्तों ये दूसरा ईमेल आईडी है, मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला आपको ईमेल आईडी आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा थैंक यू योर कॉन्ट्रैक्टिंग अबाउट रिस्टोरिंग एक्सेप्ट योर गूगल अकाउंट, गूगल विल बी रिव्यू अपील एंड सून द पॉसिबल मोस्ट रिक्वेस्ट टू टेक दो बिजनेस डे रिव्यू बट सम माइट टेक लॉन्गर। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब कि आपका जो फॉर्म था उसको हम लोग सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको दो बिजनेस डे मतलब दो दिन में आपका चैनल के लिए हम लोग बता देंगे कि आपका चैनल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल दोस्तों हम यहाँ पे दो दिन नहीं लगता है, मात्र आपको आधा घंटा बस ये इंतजार करना, आधा घंटे के बाद आपका चैनल आपके में आ जाएगा। फाइनली आपको फाइनल मेल आएगा दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे की मेल आईडी आ जाएगा, दो तीन हो गया। फाइनल मेल में आप लोग को क्या आएगा दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है वी हैव रिव्यू योर अपील द फॉलोइंग चैनल नेम क्रिएटर समिंग, जो मेरा नया चैनल है जो डिलीट हो गया था उस चैनल को मैं लाया, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर ट्रैकिंग एन अदर लुक कैन कन्फर्म दैट योर डो इज नॉट वायलेट इन कम्युनिटी गाइड। मतलब दोस्तों बोलता है कि हम आपके चैनल को चेक किए हैं, आपके चैनल में कोई भी वायलेट लाइन नहीं था, जैसे कि वायलेट नहीं था, चैनल आपका सही है, तो हमसे गलती हो। यहाँ पे लिखा देखिए वी आर सॉरी एनी फ्रस्ट्रेशन या मिस्टेक कॉसेस इन वे अपडेट्स टू लेटिंग अस नो। मतलब यहाँ पे हमारे चैनल को चेक किया गया, चेक करने के बाद कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन दोस्तों ये यूट्यूब का गलती था, यहाँ पे सॉरी बोल के आपका चैनल रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आसानी से लिखा यू हैव एनी फ्यूचर क्वेश्चन प्लीज फील फ्री रीच आउट एन हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं अपने चैनल पे जाकर बैक योर लिखा भी हमें टू मेक दिस राइट वी हैव पट योर चैनल बैक ऑन ऑडिट टू। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपका चैनल आ गया है, आप दोबारा अपने चैनल के जाके अपने चैनल पे काम कर सकते हैं और यहाँ पे आपका चैनल 100% आ गया। चैनल कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आपका चैनल डिलीट होता है तो आपका ईमेल आईडी भी लॉगिन नहीं होता है, ठीक है, यूट्यूब में अपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में अपना ओपन किया, ओपन करने को दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मेरा चैनल ये वो रिटर्न आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं मेरा जो चैनल है ये रिटर्न हमारे चैनल पे आ गया और मैं यहाँ पे एक ही वीडियो को अपलोड किया हूँ और ये जो मेरा चैनल है जो मेरा चैनल 100% यहाँ पे लॉगिन भी हो गया है और हमारा चैनल रिटर्न हो गया है। ऐसे जानकारी के दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी मन में आप लोग के सवाल है तो नीचे दिए कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि यूट्यूब रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।